नमस्कार, मैं आपके साथ कामराज सिंह। आप देख रहे हैं के न्यूज़ एक्सप्रेस। भगतपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया धोखा। पहले लड़ाया चुनाव, फिर दिखा दिया फरार। पूरे मामले में संलिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर की पुलिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय सिंह ने गांव में ही रहकर चुनाव लड़ा और 648 वोटों से चुनाव जीत गए। ग्रामीणों के अनुसार संजय सिंह पर जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर एवं थाना सिविल लाइन में कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें दोनों मुकदमों में वह जमानत पर आया हुआ था और चुनाव लड़ लिया। SSP प्रभाकर चौधरी संजय सिंह के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने से भगतपुर पुलिस की कार्यशैली को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मुरादाबाद पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने जब नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संजय सिंह की हिस्ट्री शीट पुलिस से मांगी तो थाना भगतपुर पुलिस ने संजय सिंह को फरार दिखा दिया। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब संजय सिंह फरार था तो चुनाव कैसे लड़ा और शपथ ग्रहण कैसे की। ग्रामीणों के पास शपथ ग्रहण की फोटोग्राफ है जो यह सिद्ध करते हुए संजय सिंह फरार नहीं थे, लेकिन भगतपुर पुलिस ने फरार दिखा दिया। संजय सिंह के बड़े भाई रामगोपाल ने भगतपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भगतपुर पुलिस उनके घर आई और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की। यही नहीं, पुलिस संजय सिंह के बड़े भाई रामगोपाल के ट्रैक्टर को भी थाने ले गई। जब वह अपना ट्रैक्टर थाने लेने पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि यह ट्रैक्टर संजय सिंह का, हालांकि ट्रैक्टर रामगोपाल का है जो उन्होंने खुद खरीदा था। पुलिस जबरदस्ती उनके ट्रैक्टर को संजय सिंह के नाम कराने का दबाव बनाती रही। रामगोपाल ने SSP को प्रार्थना पत्र देकर ट्रैक्टर रिहा करने की मांग की है, तो वहीं ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर संजय सिंह को रिहा करने पर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। SSP प्रभाकर चौधरी ने संजय सिंह को मामले में संलिप्त पुलिसकर्मियों की जाँच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र को सौंपी है। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ रिहानंद सारी की रिपोर्ट। काउंटिंग होकर इनको विजय मिल गई थी, जीत गए थे ये प्रधान जी। उसके बाद गंगेश्वरी कार्रवाई हुई 8 मई को और उसके 10-12 दिन बाद 20,000 का बता दिया था इनाम। 23 तारीख को 20,000 का इनाम घोषित हो गया। तब तक इस बीच में कोई भी पुलिस वाला इन्हें किसी तरह टैकल करने नहीं आया और उसके बाद में फिर इनको 25 में शपथ के बाद 26 बार कर लिया गया। गुंडा एक्ट और कई तरह की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगाया गया जी, हाँ गाँव में आती थी ना, शिकायत तो किसी नहीं आई, गाँव में गाँव में रह के ही जीते हैं और गाँव में रह के ही इलेक्शन लड़े हैं। आप पूरे गाँव में किसी जानकारी दे सकते हैं? 648 वोटों से जीत हुई है उनकी। शपथ पंचायत घर में, पंचायत का निवास था वहाँ पर। एक तो सेक्रेटरी जो सचिव थी, मतलब ग्राम विकास अधिकारी गरिमा सिंह थी और एक रोजगार सेवक, एक और ब्लॉक के थे जी। संजय प्रधान को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए। हमारा प्रधान कैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो, हमारे प्रधान को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन हाय हाय और कुछ। नाम करण सिंह है, ग्राम मेरा निवाड़ खास है, यहीं का रहने वाला हूँ और यहीं रह के संजय प्रधान जी इलेक्शन लड़े हैं और गांव से भी अरेस्ट करे हैं। मेरी दुकान में बैठे थे और वहीं से जो है भी अरेस्ट करे, उन पे ये झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और जो है ये हमें इस चीज़ का न्याय मिलना चाहिए। कैसे इलेक्शन लड़े नहीं साहब, पुलिस जो है झूठा फंसा रही है, झूठे केस बना रही है अपोजिट पार्टियों के चक्कर में। अपोजिट पार्टियों के कहने में पुलिस चल रही है। हर गांव में विरोधी अलग होते हैं, जो विरोधी हैं उन्हीं के कहने से पुलिस जो है ये तरह तरह की धाराएं मतलब लगा रही है। ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ये चीजें जो है मतलब जबरदस्ती हमारे जो घर में औरतें थी उनको धक्का मुक्की करिए, उनके साथ में बदतमीजी करिए उनके साथ। ट्रैक्टर राम गोपाल का सर प्रधान के भाई बड़े भाई, ये नहीं अभी नहीं छोड़ा है।
जी न्याय चाहते हैं, ट्रैक्टर भी हमारा छूटना चाहिए, वो बड़े भाई का ट्रैक्टर है उनके, वो भी छूटना चाहिए और हमारे प्रधान को न्याय मिलना चाहिए। थाने में भी गए थे उनसे, हाँ जो मतलब कई बार हमें एसओ साहब ने बुलाया भी, झूठे फंसाए, झूठे बोल बोल के आ जाओ हम ट्रैक्टर छोड़ देंगे, आ जाओ हम ट्रैक्टर छोड़ देंगे, जब वहाँ पहुँचते थे तो एसओ साहब ने हमारे ट्रैक्टर नहीं छोड़ा, इसलिए हमने फिर एसएसपी के यहाँ भी प्रार्थना पत्र